रिचा सोनी का मेकओवर। रानी का साज श्रृंगार। कलाकार एक है लेकिन निभाए हैं कई सारे किरदार। ये है रिचा सोनी, जिसे आपने सीरियल भाग्य विधाता में बिंदिया के रूप में बहुत सारा प्यार दिया है। वो बिंदिया जो सीधी साधी थी, वो बिंदिया अब सीरियल शैतानी रस्में में रानी बन चुकी है, जिसका अंदाज बेहद ही कड़क है। लेकिन अब स्टार भारत के सीरियल शैतानी रस्में आ गया है 20 साल का लीप, और लीप के बाद रानी के किरदार में भी आ गए हैं बदलाव, और इसीलिए सास बहू और बेटियां पहुंच गया है रिचा से मिलने, ये देखने कि अब इनका मेकअप कैसे होता है। शैतानी रस्में में आ गया है लीप, और लीप के बाद भी, लेकिन रानी साहिबा को अगर आप देखेंगे तो वो वैसी की वैसी है। कितनी रस्में उन्होंने निभा ली अब तक, मतलब ऐसे क्या रस्में रिवाजे और क्या खा रही है पी रही है। देखिए, हम लोग जो हैं शैतानी फैमिली से बिलोंग करते हैं, ठीक है, ये तो पता है ना ऑडियंस को। तो हम एज कैसे हो सकते हैं, हम लोगों के अंदर वो वैम्पायर वाली आत्मा है। हम लोग और बोलते ना अच्छे से ग्रो कर रहे हैं, और यूथ हमें और अट्रैक्ट कर रहा है, सारी फैमिली वाले 20 साल के लीप के बाद भी हम लोग बहुत अच्छा ग्रो कर रहे हैं। आज स्पेशली इसलिए सास बहू बेटी आया है कि रानी साहिबा 20 साल के बाद भी और कितनी छोटी हो गई है। अरे छोटी तो नहीं, आधा तो हमेशा से ही बड़ा था। नहीं, मतलब दिखने में और कितनी एज वाइज अगर बात करें। हाँ, थोड़ा मैच्योरिटी, हाँ मैच्योरिटी तो और भी आई जाती है, थोड़े डायलॉग्स में ठहराव लाए हैं, डायलॉग डिलीवरी थोड़ा सा हमने स्लो किया पहले के कंपैरिजन में, लेकिन बाकी सारी चीज़ें तो नॉर्मल जैसी हैं वैसी चल रही हैं, अच्छी लग रही हैं। तो कितना एंजॉय कर रही है रानी साहिबा प्ले करना, रिचा कितना एंजॉय कर रही है? मैं डे वन से मैं बहुत बहुत ज़्यादा एंजॉय कर रही हूँ, क्योंकि ये किरदार मेरे लिए बहुत स्पेशल है, और इसमें जो रानी साहिबा का जो किरदार मुझे दिया गया, उसको मुझे उसके साथ जस्टिस करना था, क्योंकि एक क्वीन का ओहदा ऐसे ही नहीं होता, आपको कमाना पड़ता है, यू हैव टू अर्न। तो दैट्स व्हाट आई हैव डन। एक साल हो गए हमारे शो को ऑलमोस्ट, और अब 20 साल का लीप भी लिया है हमने, तो बहुत बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, इट्स नॉट ईजी थिंग। तो कितने लुक में चेंजेस आ गए हैं, जैसे बातों में ठहराव आ गया है अब 20 साल के बाद, तो लुक में क्या क्या चेंजेस हम देखने वाले हैं? लुक में बहुत कुछ चेंज हो गया है, क्योंकि जैसा कि ऑडियंस हमारे, उनको पता ही होगा कि हम लोगों ने पिन्नी से ये राज छुपाया है कि भूरनगढ़ का रहस्य क्या था, और हम महारानी हैं, उनके दादाजी महाराज रह चुके हैं, ये सब हम लोगों ने छुपाया है, झूठ कहा है पिन्नी से, ताकि वो उस दुनिया से दूर रहे। लेकिन वही है ना, नियति हिस्ट्री रिपीट्स, तो हमारी पिन्नी भी उसी चंगुल में फंस गई है, इसीलिए हमें एक डिस्गाइज में एक कहते हैं ना, एक अपनी ज़िंदगी को छुपा के एक आप रहते हो, तो वैसे ही हम लोगों ने फिर अब रानी की तरह तैयार तो होके नहीं रहूँगी ना, तो इसलिए जी। आज जो है स्पेशली चाइना क्रिक में शूट हो रहा है, तो यहाँ का माहौल, गांव वाला फीलिंग, और मतलब जो है कैसा कैसा कुछ है पूरा? हम तो गांव के ही हैं। आप बता दो थोड़ा। देखिए माहौल क्या है, हम तो गांव से ही हैं, हमारी मिट्टी में, कहते हैं ना, हमारे पसीने में मेरे गांव की खुशबू आती है। भीड़ से दूर आज यहाँ पे शूट जी, बहुत ही बेहतरीन एक्सपीरियंस है, थोड़ा दूर है लेकिन काफ़ी अच्छा है, ग्रीनरी बहुत ज़्यादा है जो मुंबई में देखने को कम मिलता है, काफ़ी ज़्यादा ट्रैफिक मिलती है उधर, लेकिन इट्स नाइस, प्लेजेंट है, बहुत अच्छा है। चले फिर, धूप में मेरे को कितना सनस्क्रीन कितना मुझे बचाएगा। आइए, एक्चुअली मेकअप में मुझे उतना ज़्यादा टाइम लगता नहीं है, क्योंकि मैं अपना मेकअप खुद करती हूँ, तो आज आप वो भी देखेंगे कि कैसे करती हूँ, तो लेट्स स्टार्ट।
कलेक्शन बहुत है, ये ना ये मेरे सालों की अर्निंग है। मैंने एक एक चीज़ इसमें ना जोड़ी है लिटरली। जैसे अलमारी में हम कपड़े कैसे रखते हैं, मेकअप बहुत स्पेशल है मेरे लिए, बहुत पसंद है मुझे मेकअप। वैसे तो जब मैं ससुराल गेंदा फूल कर रही थी, स्टार भारत का ही वो प्रोजेक्ट था, उस टाइम पे मैंने ये गोल्डन वैनिटी ली थी। लेकिन उससे पहले मेरे पास एक वैनिटी थी जो काफ़ी सालों तक चली। मैं बहुत संभाल के रखती हूँ वैनिटी और सारी चीज़ें भी बहुत। भाई किरदार का अंदाज भले ही बदल गया हो, लेकिन ऋचा सोनी अपना मेकअप अब भी खुद ही करती हैं और मेकअप करने से पहले हमेशा की तरह अपनी स्किन का भी बखूबी ख्याल रखती हैं। तो आइए चलते हैं इनके मेकअप रूम में और देखते हैं कि कैसे ऋचा सोनी रानी बनने की तैयारी करती हैं। मेकअप से पहले देखिए कैसे इन्होंने अपने चेहरे पर अलग अलग प्रकार के सीरम्स लगाए, फिर लगाया अच्छे से मॉइस्चराइजर। अब ये सीरम्स और मॉइस्चराइजर त्वचा के भीतर मसाज करने से जाता है, इसीलिए देखिए कैसे ये मसाज के लिए गुआशा स्टोन यूज करती हैं और अच्छे से अपने स्किन की केयरिंग करती हैं। हमारा आउटडोर में शूट है ना, तो वी हैव टू यूज़ मेकअप लाइक कि वो स्वेट के साथ बहे नहीं, थोड़ा उसको जैसे कि क्रायलॉन इज द बेस्ट मेकअप। ये है रेशमा जी, बहुत बहुत सीनियर हेयर स्टाइलिस्ट हैं और बहुत अच्छा लगता है जब ये मेरे बाल बनाती हैं। आज मीनू जी नहीं है, मीनू जी हैं आज, मीनू दी नहीं है, वो भी बहुत सीनियर हेयर स्टाइलिस्ट हैं और दोनों मेरे फेवरेट हैं। थैंक यू। तो जैसा कि आप देख रहे हैं मेरे बाल बन चुके हैं, बहुत सुंदर बाल बन चुके हैं, परफेक्ट जुड़ा बन चुका है ना, आपको दिख रहा होगा। और मेरा बेस ऑलमोस्ट कंप्लीट हो चुका है, तो अब मैं आईब्रोज और आई शैडो करने वाली हूँ। वो डिपेंड करता है, अगर मेरा इमीडिएटली मेरा सीन लगाया है तो 45 मिनट, और मुझे अगर पता है कि टाइम है मेरे सीन में तो मेकअप मेरा 2 घंटे तक भी चल सकता है। फिर मैं आराम आराम से मेकअप करती हूँ, बिकॉज आई डोंट वॉन्ट एनीबडी टू वेट फॉर मी सेट पे। इसलिए चेहरे की मसाज करने के बाद शुरू हुआ इनका मेकअप, जहां पर ऋचा ने अपने हाथों से चेहरे पर कंसीलर लगाया जिससे चेहरे के डार्क स्पॉट छिपाए जा सकें। चेहरे के मेकअप के साथ साथ इनकी हेयर स्टाइलिंग भी चल रही है। कंसीलर को स्किन पर मर्ज करने के बाद इन्होंने लगाया चेहरे पर बेस ताकि इनकी पूरी स्किन इवन लगे। उसके बाद चेहरे के फीचर्स को उभारने के लिए की जाती है कटिंग। नाक को पतला दिखाना हो या चीक बोन्स को उभारना हो, ये कटिंग बहुत जरूरी होती है। इसके बाद गालों पर लाली लाने के लिए यूज होता है ब्लशर। भाई चेहरे के फीचर्स तो उभार लिए गए हैं, लेकिन आंखें जो दिल की बात बयां करती हैं, उन पर काम होता है अंत में, जहां पर आईब्रोज को शेप दिया जाता है।
आंखों में तेज बढ़ाने के लिए आईलाइनर लगाया जाता है। और मस्कारा लगाकर आंखों को उभारा जाता है। लीजिए, मेकअप करके ऋचा सोनी तैयार हैं अपने किरदार में ढलने के लिए। लेकिन उससे पहले उन्होंने सास बहू और बेटियां को बताया कि कैसे एक बिंदी उनके लिए बहुत मायने रखती है, क्योंकि उससे उन्हें बिंदिया का किरदार याद आता है। इसी के साथ उन्होंने बिग बॉस में जाने की इच्छा भी जाहिर की और साथ ही दिखाया कि आज रानी कौन सी साड़ी पहनेगी। सब कुछ हो गया है, बेस हो गया, आई शेडो हो गया, आईब्रोज हो गए और बस बिंदी बाकी है। बिंदी से जो है मुझे बिंदिया की याद आ गई है एकदम। जो मतलब कहें जी हाँ, जहाँ भाग्य विधाता से आपने एंट्री की थी और मतलब बिंदिया का कैरेक्टर जो था, इतना अगर बिंदिया की यादें अगर ताज़ा की जाए तो क्या क्या याद आता है? बिंदिया की यादें बहुत सारी हैं, क्योंकि मेरा वो पहला शो था एज अ मेन लीड। मुझे बहुत बड़ा अपॉर्चुनिटी मिला था, पूरा बिहार हम रिप्रेजेंट किए हैं, ऐसे कैसे बात कर रहे हैं। हमारे ऑडियंस तो कनेक्ट करेंगे ही, क्योंकि उन्होंने बहुत प्यार दिया। तो जो सबसे बेस्ट मेमोरी रहती थी ना, कि जब भी मीडिया आती थी सेट पे, तो जब भी मैं उनको देखती थी ना, मैं डर जाती थी एंड आई यूज़ टू फील कि ये क्या पूछेंगे। तो मैं भाग के अपने मेकअप रूम में, एंड आई यूज़ टू शाई अवे अ लॉट, और मुझे नहीं पता था कि मीडिया हैज़ गॉट एक्सेस टू एवरीवेयर, लाइक दे कैन रीच आउट टू यू एनीवेयर। तो मेकअप रूम में भी आते थे कि मैम एक बाइट कर ले, मैंने बोला वो क्या होता है? तो बोले बाइट, आपसे बात करनी है, मैंने बोला अच्छा। तो आई यूज़ टू फील वेरी ऑकवर्ड, और आज भी मुझे वो ना मैं थोड़ी सी सोशली ऑकवर्ड हूँ, मुझे थोड़ा अजीब लगता है। बिहार से बिलोंग करती हूँ मैं, मुजफ्फरपुर से, और वहाँ की जो परवरिश रही है मेरी, बहुत कम लोगों से इंटरेक्शन होता है, और यहाँ पूरा वर्ल्ड मुझे मिल गया। आप समझ रहे हैं वो कॉन्ट्रास्ट समझने में कि अपने किरदार को, तो मुझे सिर्फ एक ही चीज़ मैंने समझी थी कि मुझे मेरा काम अच्छा करना है, और मैं सबको समझने के चक्कर में इंसान कुछ नहीं समझ पाता है। तो मैंने चलो एक चीज़ तो पकड़ ले, एक रास्ता पकड़ लेते हैं, तो उसके थ्रू हम चलते गए। तो ये होता था वहाँ उस सेट पर। बाकी सारे किरदार तो आपको याद ही होंगे, ऑडियंस को भी याद होंगे, बहुत अच्छा हमने काम किया है। इतने सालों का जो साथ है हमारा, मतलब हम भाग्य विधाता के सेट से लेकर तो अब तक शैतानी रस्में तक आपके साथ है। मीडिया हैज सीन मी ग्रोइंग, उन्होंने मुझे ग्रो होता हुआ देखा है, और मैं बहुत पर्टिकुलर रही हूँ अपने प्रोजेक्ट्स को लेकर, कि कोविड आ जाए या कुछ आ जाए, मुझे एक तरह का ही किरदार करना है, और जो मुझे लगता है कि ये मैं कर सकती हूँ। मुझे वैसा आर्टिस्ट नहीं बनना है जो बोलता है अरे मैं कुछ भी कर सकता हूँ, मैं कॉमेडी भी कर सकता हूँ, मैं उतनी महान एक्टर नहीं हूँ, मैं सीख रही हूँ। मैं अपने अंदर वैसी चीज़ अभी भी ज़िंदा रखना चाहती हूँ कि अगर मैं आपसे मिलूँ तो मैं आपसे कुछ सीख सकूँ, या मैं अपने देखिए एक सिनेमेटोग्राफर है हमारे, इनसे मिली तो इनसे भी कुछ सीख सकूँ, संजीव जी बैठे हैं यहाँ, इनसे मुझे कुछ सीखने को मिले। तो मेरी जो एक लर्निंग वाली आदत है ना, वो बहुत अभी भी है, और मैं चाहती हूँ कि उसको मैं इनकलकेट करूँ अपनी लाइफ में। अगर मैं अपनी लाइफ में नहीं यूज़ कर रही हूँ, एटलीस्ट एक समझ आता है, इससे लोगों की परख जल्दी हो जाती है, मुझे ऐसा लगता है, तो वो इम्प्रेसिव लगता है लोगों। बिग बॉस के घर जाना है, तो ये जो इच्छा है वो क्या लग रहा है, कब पूरी हो जाएगी? हो जाएगी पूरी जब मेरी सलमान खान जी के साथ मीटिंग हो जाएगी, तो मैं उनको बोलूँगी कि सर मैं आपकी फ़ैन तो हूँ ही, लेकिन मैं आपके शो में आना चाहती हूँ। तो आप प्लीज़ मुझे कुछ भी करके आप बुला लो मुझे अपने। इस साल का बिग बॉस देख रही हैं आप? हाँ, इस बार का फॉलो करती है? मतलब कितने सीजन्स फॉलो किए? सीजन्स तो काफ़ी मतलब मैं देख ही रही हूँ, जब से सलमान खान जी ने शुरू किया है होस्ट करना, तब से मैंने देखना शुरू किया है, और यस मेरी मेमोरी बहुत अच्छी रही है बिग बॉस के साथ, तो मेरा बहुत मज़ा आता है देखकर। तो जाना चाहेंगे आप, मतलब ऋचा का जो है वो एक अलग साइड, या कहे ऋचा को लोग जाने काइंड ऑफ? मेरे ख्याल से एक बिग बॉस इज़ अ सोशल एक्सपेरिमेंट, जहाँ पे हर तरह के लोग आते हैं, तो वो मुझे बहुत इंटरेस्टिंग लगता है कि ऐसे लोगों के बीच में जब आप जाते हो और अपने लिए क्या छाप छोड़कर आते हो ऑडियंस के मन में, मेरे ख्याल से वो बहुत मायने रखता है। आपको बस वहाँ जाके वो मत बनिए जो आप नहीं हैं, वो रहिए जो आप हैं। मैं वो दिखाना चाहती हूँ कि मैं क्या हूँ। मेरा सिर्फ ये कहना है कि जो ओरिजिनलिटी, जो रियल
होता है ना वो दिख जाता है। तो अगर कुछ फ्लॉज हैं तो वो मेरे फ्लॉज हैं, शायद मेरी एक्सपीरियंस वैसे रहे होंगे इसलिए मेरे वैसे फ्लॉज हो सकते हैं, लेकिन उनको बेहतर बनाया जा सकता है सीख कर। तो मेरी ये माइंडसेट रहेगी। और हाँ, ये एपिसोड ये जो हम सीज़न देख रहे हैं बिग बॉस का, मुझे अच्छा लग रहा है। विवियन ऑफकोर्स, विवियन इज़ वेरी वेरी स्ट्रॉन्ग। मुझे ईशा के साथ तो हमने काम भी किया था बेकाबू में, आई वॉज प्लेइंग हर मदर, बहुत अच्छा। वो भी बहुत प्यारी है, बहुत मेहनत करके आई, एंड आई एम लाइकिंग हर ऑल्सो इन द हाउस। एंड यस, विवियन मुझे पसंद है, उसका ओवरऑल जो एक ऑरा है ना वो बहुत अच्छा है, रियल लगता है। रानी सा की अगर बात करें तो आज क्या पहनने वाली है रानी सा? बीच बीच में इफेक्ट हमें याद दिला रहा है, जो लाइट है ऊपर ये जो है ये ना, हाँ फ्लिकर हो रहा है ना, ये टिपिकल शैतानी रस्म है। तो ये हमारी कॉटन की साड़ी है, बहुत ही ब्यूटीफुल सिलेक्शन दिया गया है मुझे साड़ियों का सुहाना मैम ने इसे मेरे लिए, ऑब्वियसली सारे कॉस्ट्यूम आप देखोगे तो इट इज़ शाइनिंग बिकॉज ऑफ हर इन द शो, एंड बिग अपलॉड्स, बहुत अच्छा किया है उन्होंने। तो उसके बाद ये कंटिन्यूटी मेरी ऐसी फंसी है ना कि मैंने इतने दिन से ये साड़ी पहन रहे हैं आप, पता नहीं एक महीना हो गया होगा, क्योंकि ये पहन के मैं निकली हूँ पिन्नी को ढूंढने के लिए। अब मैं निकली हूँ तो कहीं हम कहीं नहीं रुके हैं, हम बस ऐसे ही ढूंढ ही रहे हैं बस। तलाश जारी रहेगी, आज लगता है तलाश खत्म हो जाएगी, आज कोई मिलेगा हमें ऐसा जो हमें हेल्प करेगा पिन्नी तक पहुँचाने में। तो फिर मेकअप हो गया है, सब कुछ रेडी है, तो फिर हम अपने कॉस्ट्यूम में भी चेंज कर लेते हैं और रानी सा के लुक के साथ जस्टिस करेंगे फिर से। लीजिए, साड़ी पहनकर रानी साहिबा अपने किरदार में ढल चुकी हैं। पहले तो रानी साहिबा हैवी ज्वेलरीज यूज किया करती थीं, लेकिन अब इनका अंदाज बदल चुका है, इसीलिए मिनिमल ज्वेलरीज पहनी जाती हैं और एक प्यारी सी बिंदी लगाती हैं। बिंदिया चमकेगी, चूड़ी खनकेगी। और क्या चाहिए, इतनी गर्मी में आप शूट कर रहे हो और कॉटन की साड़ी पहने हो, और क्या चाहिए। सो आई एम वेरी हैप्पी, मिलते हैं सेट पे। लीजिए, रानी बनकर रिचा सोनी पहुंच गई हैं अपने सेट पर अपना सीन फिल्माने के लिए। वैसे इस सीन में इनका सामना होने वाला है शैतानों से, और इन दिनों तो शैतान भूत प्रेत ये सभी कमाल कर रहे हैं, चाहे वो टीवी हो, ओटीटी हो या फिर हो बड़ा पर्दा। टीवी बहुत बड़ा योगदान है एक तरीके से देखा जाए तो, क्रिएटिविटी ज़्यादातर कहते ना, अभी ओटीटी तो अभी आया है, अभी लोग समझने लगे हैं कि अच्छा ये कॉन्सेप्ट है। स्टार्टिंग ओरिजिन तो टेलीविज़न का ही रहा है, आप कोई भी मुद्दा देखे तो, इसलिए आई एम ग्लैड दैट दिस इज़ हैपनिंग। ये हमारा आज का सेटअप है जहाँ पे बहुत बड़ा चेंज आने वाला है शैतानी रस्मों में, आप देखते रहिएगा शैतानी रस्में। ओके, मेरे सारे कलाकार वेट कर रहे हैं रीडिंग के लिए, थैंक यू सो मच। खैर, ऐसे सीरियल्स में काम करने का एक अलग ही मजा है, क्योंकि अलग अलग एक्सपेरिमेंट्स करने का मौका जो मिलता है। इसी के साथ हम रिचा सोनी को छोड़ जाते हैं इनके सेट पर शूटिंग के लिए और लेते हैं इनसे विदा। मुंबई से नूपुर माउची के साथ ब्यूरो रिपोर्ट। हम तो आप सबको 24/7 पहनाते हैं एंटरटेनमेंट का स्कार्फ। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है, आप जानते हैं आपको क्या करना है, आप इसे लाइक करें, कमेंट देके अपनी राय जरूर दें। ऐसे ही एक्सक्लूसिव कंटेंट के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। अगर आप ये वीडियो फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमारे फेसबुक पेज को भी फॉलो करें, और जल्दी से अपने व्हाट्सएप पर जाकर वहाँ भी हमें फॉलो कीजिए। नाम तो आप सब जानते ही हैं, सास बहू और बेटियाँ।